नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ के बारे में। ये लॉ हमें सर्किट्स के एनालिसिस में हेल्प करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ करंट लॉ यानी केसीएल से। केसीएल का यूज हम तब करते हैं जब हम एक नोड या जंक्शन को एनालाइज करते हैं। केसीएल के अकॉर्डिंग अगर किसी नोड या जंक्शन पर करंट को इनकमिंग आउटगोइंग किया जाए तो इनकमिंग करंट का सम इक्वल टू आउटगोइंग करंट का सम होगा, यानी टोटल करंट जो नोड या जंक्शन से बाहर निकलता है वो इनकमिंग करंट का सम होगा। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में यानी केवीएल। केवीएल का यूज हम तब करते हैं जब हम क्लोज लूप सर्किट को एनालाइज करते हैं। क्लोज लूप सर्किट को एनालाइज करते हैं, इसको याद रखिएगा। केवीएल के अकॉर्डिंग अगर हम एक क्लोज लूप में ट्रेवल करते हैं तो सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल द एलिमेंट्स इन द लूप इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा। यानी अगर हम एक क्लोज लूप में स्टार्ट करते हैं और उसमें सभी एलिमेंट्स का वोल्टेज ड्रॉप ऐड करते जाते हैं तो वो सम इक्वल टू होगा सोर्स वोल्टेज के। अब हम बात करेंगे इन लॉ के एप्लीकेशन की। ये लॉ नोडल और मेश एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोडल एनालिसिस हमें केसीएल का यूज करते हैं। इसमें हम नोड्स को एनालाइज करते हैं और उसके इनकमिंग आउटगोइंग करंट का सम इक्वल होते हैं। इससे हम वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ सर्किट के एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नोडल और मेश एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।